जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं अपने कंप्यूटर में ड्राइव किस तरह से क्रिएट करना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिस पीसी मैंने डबल क्लिक करके ओपन किया। देखिए यहाँ पर सी डी ई एफ है ना। तो अगर आपके पास सिर्फ सी ड्राइव है यानी कि लोकल डिस्क सी है, तो डी क्रिएट कैसे करना है। अगर दो है तो अगर आपको तीन कैसे बनाना है। तो ये ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ये प्रोसेस होता है, आफ्टर इंस्टॉलेशन भी आप कर पाते हो। जैसे देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है, यहाँ पर चार ड्राइव है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो सी ड्राइव दिख रहा है ना, ये वाला, ये तो सिस्टम ड्राइव है। आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। आपको स्पेस देखना होगा कि स्पेस कितना अवेलेबल है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लोकल डिस्क ऐप में आपका 61.3 GB फ्री स्पेस रखा हुआ, तो यहाँ से हम लोग एडिशनल ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस कैसे क्या होता है, हम लोग इसको कम्प्लीटली देख लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आई टी नॉलेज सब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, समय को बिना वेस्ट किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको देखिए ये दिस पीसी में आपको राइट क्लिक करना होगा। उसके बाद आप जाएंगे मैनेज में। जी हाँ, इसको आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, डिस्क मैनेजमेंट। जी हाँ, इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक कर लो। उसके बाद आपका पूरा यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट पूरा खुल जाएगा। देखिए सी डी, देखिए सिस्टम ड्राइव, इसको कुछ मत करना। आपको सी, हम लोग कहाँ से करने वाले थे, एफ में से, ठीक है। तो इसमें हम लोग का स्पेस थोड़ा ज़्यादा था, हम लोग यहीं से कर लेते हैं। तो आपको देखना होगा कि स्पेस किस में ज़्यादा है, वहाँ से आप कर लो। तो ताकि एक अच्छा खासा ड्राइव बन जाएगा, यानी कि 2-3 GB का तो ड्राइव देखने में खराब लगता है ना। तो तकरीबन आपका 50-60 GB का हो ड्राइव, तो हम लोग यहाँ से क्रिएट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप इसी में राइट क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, श्रिंक वॉल्यूम। जी हाँ, इसको क्लिक करना है, क्योंकि हमें यहाँ से स्पेस को अलग निकालना है, क्रिएट करना है। तो ये श्रिंक हो रहा, थोड़ा सा आपको ये टाइम ले सकता है। तो देखिए ये आ गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ कि आप यहाँ पर 62,881 GB तक इसको आप श्रिंक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ध्यान रहे कि देखिए इतना श्रिंक करने के बाद यहाँ पर स्पेस कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि यूज ऑलरेडी यूज ये ड्राइव है। तो कुछ स्पेस आप इसमें भी छोड़ देना होगा ताकि वो स्मूथली रन कर सके। तो हम लोग पूरा नहीं लेंगे इसमें, तो 50,000 ले लेते हैं, ठीक है। तो 50,000 MB में है ये, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए MB, तो MB मतलब GB में कन्वर्ट कर लो। अप्रोक्स ये आपका 49 GB तकरीबन ऐसा कुछ होगा। तो इतना करने के बाद बाकी कुछ नहीं करना है, तो कुछ स्पेस इसमें हम लोग रहने देंगे। अब इसको हमें करना है श्रिंक में क्लिक। जी हाँ, इसको क्लिक कर दो। तो देखिए नया आपका यहाँ पर एक स्पेस बन जाएगा। तो ये आ गया, नहीं आया, बन जा भाई। देखिए 48.83 GB का एक ऑन एलोकेटेड आपका स्पेस बन गया। अभी हमें यहाँ से एक नया ड्राइव क्रिएट करना है। अब दोस्तों हमें इसको एक ड्राइव का रूप देना होगा, तो सिंपली हमें इसमें राइट क्लिक करना है। तो राइट क्लिक करने के बाद देखिए न्यू सिंपल वॉल्यूम, इसको क्लिक करेंगे। तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको आप एजिट रहने दो, नेक्स्ट कर लो। तो ये स्पेस भी एजिट रहेगा, इसमें कुछ छेड़छाड़ मत करो, आप इसको नेक्स्ट कर लो। अभी देखें असाइन जो ड्राइव है, अभी जी ले रहा है ना, उस समय एफ था ना, एफ के बाद देखें यहाँ पर जेड तक का ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग जी लेंगे सिक्वेंशली। एफ के बाद तो जी आता शायद, नेक्स्ट कर लो। बाकी कुछ नहीं करना, इसको छोड़ दो, नेक्स्ट कर लो। अब ये भी देखें NTFS मिलेगा, फाइल सिस्टम NTFS ही होता ना, तो नेक्स्ट कर लेंगे। बाकी कुछ नहीं करना है, बस फिनिश। अब ये देखिए ड्राइव में कन्वर्टिंग हो रहा है, देखिए फॉर्मेटिंग भी ले रहा है ना ये। तो ये बन गया भाई साहब हम लोग का ड्राइव, देखिए। तो फॉर्मेटिंग ऑलमोस्ट डन, तो हेल्दी एक ड्राइव बन गया NTFS में। देखिए मैं इसको आपको दिखाता हूँ लॉजिकली, इसको क्लोज कर लेते हैं। अब हम सिंपली जाएंगे दिस पीसी में, इसमें जाकर हमें लेफ्ट डबल क्लिक करना होगा। तो देखिए सी डी ई ये पहले से ही था एफ तक, अभी देखिए न्यू वॉल्यूम जी आ गया, ये हम लोग का एक एडिशनल ड्राइव बन गया अभी। तो अगर आपके पास एक ही ड्राइव है, तो आपको अगर बढ़ाना हो तो इस तरह से आप एडिशनल ड्राइव क्रिएट कर सकते हो। तो स्पेस को ध्यान में रखकर आपको करना होगा। तो अगर आपको ये ड्राइव को डिलीट करना हो, यानी कि मर्ज करना हो पहले में, तो सिंपली फिर उसी स्टेप में आप जाओगे। तो डिस्क मैनेजमेंट यही था ना, तो ये खुल गया। देखिए अभी जो ड्राइव था हम लोग को उसको केयरफुली पकड़ना है, नहीं तो अगर आप दूसरे को पकड़ लोगे तो फिर ये आपका पूरा फोल्डर फाइल वगैरह। तो मेक श्योर, जी हाँ यही था ना 48.83, हाँ इसको आप डिलीट वॉल्यूम कर लोगे, यस। तो फिर से ये ऑन एलोकेटेड हो जाएगा। अभी इसको दूसरे में मर्ज करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए मुझे इसमें मर्ज करना है, तो राइट क्लिक करेंगे इसमें, एफ में मर्ज करना था क्योंकि एफ से मैंने लिया था। तो यहाँ पर देखिए एक्सटेंड वॉल्यूम, जी हाँ, तो इसको हमें यहाँ पर ट्रांसफर करना है, समझ में आ रहा है ना। तो इसको यहाँ करना है, तो हमें क्या करना है, एक्सटेंड करना है। तो जितना स्पेस वहाँ पर बचा हुआ है ऑन एलोकेटेड, वो पूरा का पूरा वो यहाँ ले लेंगे। देखिए 4,944,999, इसको नेक्स्ट कर लेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये सेम रहेगा, बस नेक्स्ट करना है, अब फिनिश कर दो। तो देखिए ऐप में चला गया। तो इस तरह से हम लोग इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस है तो।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो तो जरूर से लाइक कीजिएगा हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।